friends, like, share, comment, subscribe my YouTube channel. रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहां लगे कि आपकी जगह नहीं, वहां खामोशी से खुद को अलग कर लो। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्तों को आजकल, जुबान को अब निभाने में बहुत तकलीफ होती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे वो दूर हो या पास। कुछ लोगों को हमारी जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम उनके लिए किस हद तक मुफीद साबित होते हैं। किसी का दिल तोड़कर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ कर देना बहुत मुश्किल है। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज बदलती रहती है। नरम दिल लोग बेवकूफ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। अपने हम सफर से अपने जैसा होने की तवक्को मत करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़कर नहीं चल सकते। रुपया जितना भी गिर जाए, मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपये के लिए इंसान गिर चुका है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनता हूँ, जवाब देने का हक वक्त को दे रखा है। जो दोगे वही लौट के आ जाएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। बंदा ढीठ ना हो तो सबसे ज्यादा खौफ उसे अपनी बेइज्जती का होता है। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। जानते हैं जिंदगी में सबसे बड़ी अजियत क्या है? जब ये ना पता हो कि इंतजार करना चाहिए या भूल जाना चाहिए। बास औकात दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती, मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फैसले के मुताबिक कर देती हैं। अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती, उसके लिए सिर्फ दो लोग चाहिए जिनमें एक भरोसा कर सके और दूसरा उसे समझ सके। जो जाने वाले से इबरत हासिल नहीं करता, वो आने वाले के लिए इबरत बन जाता है। झूठ के दरख्तों पर एतबार की चिड़िया लौट कर नहीं आती। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे इस बात का गरूर है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसके गरूर को टूटने मत देना। आजजी ये है कि इंसान दूसरों के अंदर एक बुराई देखे तो उसे अपनी 10 याद आ जाएं। अगर तुम नेक हो और लोग तुम्हें बुरा कहें, ये इस बात से बहुत अच्छा है कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। जाहिल के सामने अकल की बात ना करो, क्योंकि पहले वो बहस करेगा, फिर अपनी हार देखकर आपका दुश्मन बन जाएगा। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं, तो ऐब जोई और नुक्ता चीनी से परहेज कीजिए। माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, कितनी नामुराद है ये रस्म जहेज भी। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है, जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। माजी बदल नहीं सकता, मगर हाल और मुस्तकबिल आज भी हमारी मुट्ठी में है। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि शीशे का मुतबादल शीशा तो मिल जाता है, मगर रिश्ते के मुतबादल रिश्ते नहीं मिलते। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो दस्तयाब नहीं थे। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीजें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलत फहमी। परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। सच बोलने से इंसान को जहनी परेशानियों से निजात मिलती है और उसका दिल हल्का हो जाता है। रिश्ते निभाने का जर्फ ना हो तो रिश्ते बनाने से भी गुरेज कीजिए। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए,
تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔